ये देखिए कैमरा स्टैंड का हालत, क्या करूं, कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना सकता रहा था यार। ये देखिए मोबाइल लगाने वाला है, क्लिप ही नहीं है इसमें, इसलिए वीडियो बनाने नहीं सकता था। पूरा खत्म। इधर में मोबाइल लगाने वाला क्लिप ही नहीं है इधर में, इसलिए कुछ दिनों से वीडियो बनाने नहीं सक रहा था। ये देखिए क्या कर रहा। Hey guys, welcome back to my YouTube channel। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मेरे सिस्टर लोग इधर में है, हंस रहे हैं, शर्मा रहे हैं वो लोग। तो मालूम नहीं आज स्कूल में कुछ प्रोग्राम है बोल के बोला था, इसलिए सॉन्ग एडिट करने के लिए आए थे सुबह सुबह, तो एडिट हो गया है अभी सॉन्ग। तो मेरा भी कुछ वीडियो एडिट करने बाकी है। तो आज क्या क्या प्रोग्राम है स्कूल में? आज स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है तो हम लोग तो सॉन्ग एडिट करना अभी हो गया है, तो सिस्टर लोग जाएंगे अभी स्कूल घर में, प्रोग्राम है थोड़ा छोटा मोटा बोल के बोला था। तो कुछ बोलना चाहते हम लोगों की स्कूल में जोहार, हम लोगों की स्कूल में आज छोटा मोटा प्रोग्राम है तो हम लोग सॉन्ग एडिट करने आए थे और भैया के पास आए थे और भैया ने कर लिया, इसलिए भैया को थैंक यू बोलना चाहते हैं। ओके थैंक यू, वेलकम, जा रहे हैं। ओके बाय, जाओ अच्छे से प्रोग्राम में एंजॉय करना। ओके ओके बाय। हे गाइस, तो क्या बताऊँ आप सभी को, मेरा वीडियो नहीं डालने का मतलब यही था कि मैं काफ़ी दिनों से बीमार हो रहा था और बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम है यार जो क्या करूँगा। तो आप सबको बता दूँ मेरा न्यू सॉन्ग आने वाला है, शादी सॉन्ग, तो उसका रिकॉर्ड करने के लिए गए थे हम दो लोग गए थे, तो 19 दिसंबर को गए थे। उसके बाद सॉन्ग रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद वहाँ से आया, उसके बाद मैं वीडियो एडिट करके दे दूँगा, अपलोड कर दूँगा सोच रहा था, लेकिन अपलोड करने नहीं सका मैं। उसके बाद से मैं बीमार हो गया पूरा, अभी 2 हफ्ता जैसा हो रहा है। तो क्या करूँ, अभी सुबह से आज सुबह से काम कर रहा हूँ। सुबह सिस्टर सब आए थे सॉन्ग एडिट करने के लिए, एडिटिंग करके दे दिया उन सबको। उसके बाद कैमरा स्टैंड का हालत तो आप लोगों को दिखा ही दिया मैं, और इसलिए अभी ऐसा हाथ से पकड़ कर वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। तो मैं काफ़ी दिनों से बीमार हो रहा था, इसलिए मैं काफ़ी चेंज हो गया हूँ, तो मेरा फेस भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिखाई दे रहा है आप सबों को। तो ये उस दिन 19 दिसंबर मैं इसी टी शर्ट को पहन के गया था और आज भी यही पहना हूँ। कल 1 जनवरी था तो कल थोड़ा मुझे आराम मिला था, अच्छा लग रहा था, इसलिए यही ड्रेस पहना था कल भी और आज भी ये ड्रेस पहना हूँ, और अभी इसी ड्रेस से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो पहले स्टूडियो वाला वीडियो के देखिए और फिर से मिलते हैं। ओके, तो चलिए देखिए स्टूडियो वाला वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो किस टॉपिक में बना रहा हूँ, आज कहाँ आया हूँ, तो सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को।
तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आने के टाइम में मैं वीडियो बनाने नहीं सका, तो सीधे स्टूडियो में दिखाने जा रहा हूँ। आज का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा मैं एंटरटेन करना कर सकूँगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो ये है हमारा स्टूडियो, तो इधर में है अमित भैया, थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है, लाइट सेटअप लगा हुआ है। तो इधर में अंदर में होता है इधर में, तो अभी कुछ काम मतलब ठीक ही था, तो कपड़ा वपड़ा खोल के रख दिया है। तो यही छोटा मोटा स्टूडियो, एंड इधर ही मैं आता हूँ गाना गाने। तो मेरा एक न्यू सॉन्ग आ रहा है, शादी महोत्सव सॉन्ग का, आदिवासी सॉन्ग। तो आप लोग एंजॉय करिए मेरे गाने पे। तो आज फाइनल रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मतलब आज ऐसे ही रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, म्यूजिक भी नहीं दिया है, तो आज से म्यूजिक बनाएगा भैया। उसके बाद आज रिकॉर्ड करके फिर से फाइनल रिकॉर्ड करने जब आऊँगा, तो तब का ब्लॉग अच्छा से। और अगर आप सब मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। एंड अगर आप लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग सिर्फ लाइक कर देना, एंड लाइक करके कमेंट करने का मन करता है तो कमेंट कर दीजिए यार दोस्तों। तो आज मैं अच्छे से वीडियो बनाने नहीं सका आने के वक्त में, तो नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह से बनाऊंगा और कोशिश करूंगा। कितना दूर में है और मतलब क्या बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इस गांव का नाम है बैठाबंगा, तो इधर हम लोगों के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही दूर में है। तो बैठाबंगा में स्टूडियो नहीं है बोल के अगर आप लोग नहीं जानते थे, तो मेरे इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को पता चल गया है। तो अगर आप लोग सॉन्ग गिताना चाहते हैं या अगर कोई गिताना चाहता है, तो नेक्स्ट टाइम इधर आ सकते हैं हमारा अमित भैया के स्टूडियो में, तो बहुत अच्छा से म्यूजिक देता है। तो ओके, कंटिन्यू रहे वीडियो में। तो आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया, तो क्या बताऊंगा। तो जब स्टूडियो में गया था, तब मतलब अच्छा से वीडियो बनाने नहीं सका मैं, क्योंकि एक ही मोबाइल था, तो एक मोबाइल से कैसे रिकॉर्ड करता। मैं सॉन्ग बीच बीच में भूल रहा था, मतलब अटक रहा था जब मैं सॉन्ग गीता रहा था, तब तो गा रहा था तब मतलब, तो इसलिए एक ही मोबाइल से मतलब अच्छा से रिकॉर्ड करने नहीं सका। क्या करूँगा यार, गरीब आदमी ना। तो ओके, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगा, तब अच्छे से वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए और आप लोगों को दिखाऊँगा। ओके, तो इतने ही बोलता हूँ इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।